हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स कुकरी क्लासेस। हैप्पी नवरात्रि। आज हम बनाने वाले हैं खास व्रत के लिए कुट्टू के पराठे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम क्रिस्पी होते हैं और इन्हें बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसे आप कोरिएंडर चटनी किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें बनाना कैसे है। पराठा बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है कुट्टू का आटा, यहाँ ये हमने लिया है 1 कप। इसी के साथ हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिंगाड़े का आटा भी लिया है, इससे पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पे हमने ये लिया है 1/2 कप। दोनों आटों को मिक्स करके हम ये पराठा बनाएंगे। आप चाहें तो आप खाली कुट्टू के आटे से भी बना सकते हैं। यहाँ हमने लिए 2 से 3 बॉइल्ड पोटैटो जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 ग्रीन चिल्ली बारीक कटी हुई। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया 2 से 3 टेबलस्पून। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे रोस्टेड जीरा क्रश किया हुआ 1/2 टीस्पून। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो लगा के तैयार करेंगे। पहले हम इसको इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे जो हमने इसमें बॉइल्ड पोटैटो मिक्स किया है, उसमें ही आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो हमारा आलू है वो आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम चपाती का डो लगाते हैं, उससे थोड़ा सा हमें टाइट डो लगाना है इसका। यहाँ पे हमने डो लगा के अपना तैयार कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट पे रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसको हमें बहुत ज़्यादा देर तक रेस्ट पे नहीं रखना है, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए रखेंगे। इसको 10 मिनट्स हो गए हैं रेस्ट पे रखे हुए। अब हम अपने पराठे बना के तैयार कर लेंगे। तो इसमें से हम बिल्कुल थोड़ा सा डो जो है अपना ले लेंगे और इसकी स्मॉल साइज के बॉल्स बनाएंगे इस तरीके से और इसको बेल लेंगे। इसको अब हम इस तरीके से कुट्टू के सूखे आटे में थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे ताकि इजीली बिल जाए। आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं इस तरीके से प्रेस करके। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे जिससे कि हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेगा। जैसे हम गेहूं के आटे के पराठे बनाने हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसको बनाना है। आप चाहें तो आप इसको बेलन से भी बेल सकते हैं या आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी फैला सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से बेल लिया है। अब हम इसको सेक लेंगे। यहाँ हमारा तवा भी गर्म हो गया है। यहाँ अब अपने पराठे को हम पलट लेंगे। अभी हमने मीडियम हीट पे किया हुआ है। अब हम इसमें घी लगा देंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। अभी हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे। अब इसको हम इस साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। अपने बाकी के पराठे भी हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारा पराठा सीख के तैयार हो गया है। आपको अगर हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो सब भी हमें ज्वाइन कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से हम नई नई वीडियो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकें। तो कल हम फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।